कि मैं बहुत सारे कपड़े धो रही हूँ, बच्चों के कपड़े होते हैं छोटे छोटे, निकालते निकालते यूं समझे कि आंखें भी बाहर आ जाती हैं, जो कि एक एक कपड़ा डालते डालते भी ऐसे लगता है जैसे कचरा ना हो, और बहुत ज़्यादा तंगी होती है। ये हमारा वॉशिंग एरिया है और मैं अपना कपड़े भी धुल गए थे, अब मैं नहा चुकी हूँ। नहाने के बाद मैं ऊपर जा रही हूँ टेरिस पर। मेरे जाने से पहले ही मेरे बच्चे आ चुके थे छत पर। मैं तो ये कपड़े डालते हुए भी बहुत ज़्यादा थक गई थी, क्योंकि इनको इतना ऊपर लाना और खुश करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऊपर से बच्चे हैं छोटे छोटे, इतना तंग करते हैं बहुत ज़्यादा। जो कपड़ा दो उसके बीच में आ जाते हैं, जो भी डालो पानी में आ जाएंगे। ऊपर से सर्दियाँ इतनी ज़्यादा हैं कि हद से ज़्यादा, घर बंद होता है तो बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, जिसकी वजह से हम धूप तक नहीं लगवा सकते, और कभी धूप होती है तो कभी नहीं होती। तो इस तरह ये बच्चे भी धूप में एंजॉय कर रहे थे, खेल भी रहे थे साथ साथ, और तंग भी कर रहे थे। मेरा छोटा बेटा कपड़े उतार के नीचे गिरा देता था, इस तरह बहुत ज़्यादा तंग किया हुआ था इन लोगों ने। अकेले तो मैं बिल्कुल भी नहीं आती, ये मेरे साथ ऊपर आ ही नहीं रहे थे। मैं अकेले इसलिए नहीं आती, यहाँ पर बहुत ज़्यादा चीलें ऊपर इकट्ठी हो जाती हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा खौफनाक डर लगता है। और क्यों खोल दूँ, 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 नहीं अपने को दिवंत किया था नहीं कला नहीं कला नहीं कल था खोल दो मैं व्लॉग्स बनाने का मकसद सिर्फ जो है इतना है कि मुझे जो है व्लॉग्स बनाना बहुत पसंद है, और इस तरह लाइफ भी बिजी रहती है। किचन की हालत हुई हुई है इस तरह मैसी, बहुत ज़्यादा गंदा हुआ हुआ है किचन, और मैंने अब क्लीन भी कर लिया। इसको क्लीन करने के बाद ऐसे लगता है जैसे कोई दिल पे कोई बोझ और वो हल्का हो गया। और यहाँ बनाने लगी हूँ मैं चिप्स, जो कि मैंने ऑलरेडी पहले ही काट के रखती थी। इसको बना रही हूँ सिंपल, बच्चों के लिए बाहर की चीज़ से बेहतर होता है आप घर की नॉर्मल चीज़ दे दें, स्पाइसी भी नहीं होती और आपके हाथों की बनी हुई होती है। आपको पता होता है आपके बच्चे हैं, आपको किस तरह से वॉश करना है और किस तरह यूज़ करना है। और ऑयल तो मैं बिल्कुल यूज़ नहीं करती, और इसमें देखें कहीं भी आपको दूर दूर तक ऑयल ही नज़र आ रहा होगा। मैंने हल्की सी कर ली थी, मैं स्टीम कर ली थी फ्राई पैन में, और उसके बाद मैंने ओवन में इसको 8 मिनट के लिए रख दिया था, तो ये बिल्कुल रेडी हो चुकी थी। यहाँ पर फरमाइश पर बच्चों की बन रहे हैं आलू वाले नान, जो कि बाहर से बहुत ज़्यादा स्पाइसी मिलते हैं। तो घर दो नान से ऑयल तैयार किए थे, एक बिल्कुल नॉर्मल बच्चों के लिए और एक जो है स्पाइसी तैयार किया था। उनके जो बड़े बनाए थे वो स्पाइसी बनाए थे, और जो इनके लिए छोटे बनाए थे वो मैंने बिल्कुल नॉर्मल मसाला यूज़ किया था। और ये फाइनल लुक है, ये मेरे रेडी हो चुके हैं। यहाँ पे तस्वीरों में प्लीज़ जले हुए फील हो रहे हैं, तो जले हुए नहीं थे ये। तो यहाँ पे कलर इस तरह का आ रहा है, रायते का कलर भी अलग आ रहा है और केचप का कलर भी अलग से आ रहा है। ये बहुत अच्छे और यम्मी थे इनकी, ये देखें आप फाइनल लुक। और ये हम यहाँ पर इसको खा रहे हैं रायता लगा के और मायनीज लगा कर। यहाँ पर बच्चे भी जो है खा रहे हैं, तो मैं गाइस रिकॉर्डिंग तक भी नहीं कर सकी, और ये दिखा रहे हैं हम खा रहे हैं। ये बच्चे कह रहे थे हम खा रहे हैं पिज़्ज़ा, और मेरा बेटा कह रहा था छोटे वाला ये झूठ बोल, तो पिज़्ज़ा नहीं है, ये तो आलू लगे हुए हैं इसके ऊपर। सब देख रहे हैं आपको, आपको क्यों ना ना।
मम्मा देखो फिर खा रहे हैं, वहाँ से ये चावल खा रहे हैं, वहाँ से ये खीर खा रहे हैं, क्या हो रहा देख लिया सबने। इस टाइम टाइम हो रहा है, 9 बजने वाले हैं और लाइट बिल्कुल नहीं है, अभी देखना क्या चाहिए। ये हमारा ड्रेसिंग एरिया गाइस, यहां पे मैं कर रही हूं यस प्रेस, घर के कामों में तो इंतहाई बता रहा सोया हुआ है मोमिन, और तकरीबन टाइम हो रहा है 12 बज रहे हैं, और 12 बजे तक ये जो है सोता है रात को, क्योंकि जब छोटे बहन भाई बड़े बहन भाई सोते हैं तो तभी ये सोता है। और इस टाइम में बिल्कुल थकी हुई हूँ घर के सारे काम मुकम्मल करके, और अब